दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट अनलॉक के बारे में सुना होगा, फेस लॉक के बारे में सुना होगा, पैटर्न लॉक के बारे में सुना होगा, पिन लॉक के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक हट के ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक से जो है आप अपने डिवाइस में गेस्चर लॉक लगा सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, ये बिल्कुल यूनिक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लॉक है। तो आपने अपने फ़ोन पे कैसे सेट करना है, ये किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने फ़ोन पे गेस्चर लॉक कैसे लगाना है। वो भी बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है, बिल्कुल ही अच्छे से और बिल्कुल क्विकली वर्क करता है। आप एक बार देखेंगे तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इसे सेट मत करना, लेकिन एक बार देख लीजिए वीडियो, शायद आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेरे काम तो बहुत ज़्यादा आया, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो कैसे करना कैसे नहीं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ये लॉक है क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फोन को लॉक लगाता हूँ, लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद मैं जब इसे अनलॉक करूँगा तो यहाँ पे आप मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है, पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे करेगा आपका वर्क गेस्चर। यहाँ पे पिन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते रहिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे एम लिखा, तो एम लिखते ही मेरा फोन अनलॉक हो गया, है ना कमाल का। तो ये आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो यहाँ पे। वही अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर आप एल लिखेंगे तो आप एल लिखते ही आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा, और कुछ भी लिखेंगे तो अनलॉक नहीं होगा। या फिर आपका कोई सीक्रेट साइन है उसे डालेंगे तभी आपका डिवाइस जो है अनलॉक होगा, है ना कमाल का। तो आपने अपने डिवाइस में से सेट कैसे करना है वो अब हम यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने फोन की सेटिंग पे, ठीक है। चले गए सेटिंग पे, जाने के बाद आपने लॉक स्क्रीन की सेटिंग पे जाना है यहाँ पे, फिर आपके लॉक टाइप पे जाना है, लॉक टाइप पे फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने स्वाइप वाले ऑप्शन पे जाना है। तो आप स्वाइप सेट कर सकते हैं, लॉक फिंगरप्रिंट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नन कर देना है, यहाँ पे जाके नन, ठीक है, यहाँ पे नन कर दिया मैंने, ठीक है, नन कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप देख लीजिए इसका वर्क कैसे, इसको सेटिंग से करनी है, ठीक है। इस तरह का गेस्चर है, सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप क्रिएट गेस्चर करेंगे, यहाँ पे गेस्चर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फिर आपके वेरिफिकेशन से के लिए दोबारा से एम मांगेगा, दोबारा से, ठीक है, डाल दिया। तो अब आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने क्रिएट रिकवरी पासवर्ड पे जाना है, यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड रिकवरी पासवर्ड डालना है, ठीक है, ये भी दो बार आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपने नेक्स्ट को करना है, फिर आपने इनेबल नोटिफिकेशन एसएस को यहाँ पे ओके करना है, फिर आपने गेस्चर लॉक स्क्रीन को यहाँ पे अलाउ कर देना है, बैक आगे, फिर ओके करना है, फिर आपने परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद ये आपके फोन में एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। बैकग्राउंड में आप फोटोज जो है सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी यहाँ पे चूज कर ले, मैंने ये कर ली, ठीक है, या फिर आप अपनी गैलरी से उठा के अपनी फोटो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, माई फोटोज भी जाके, ठीक है। तो मैं सेट एज ए बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एनिमेशन का, ध्यान से देखना है, बहुत ही अमेजिंग है वीडियो, अनलॉक एनिमेशन, ठीक है, सॉरी। फिर मैं यहाँ पे इसे ड्रिफ्ट रखता हूँ, ड्रिफ्ट आप अपने हिसाब से सेट कर देंगे यहाँ पे। चलो अब हम अपना फोन जो है लॉक लगाते हैं, ठीक है, लॉक लग गया यहाँ पे, अब इसे अनलॉक करता हूँ। तो यहाँ पे कोई ना ही कोई पैटर्न है, कुछ नहीं है, ना पिन है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एम टाइप करूंगा, ये देखते हो फोन जो मेरा अनलॉक हो चुका है, ना कमाल का ट्रिक। तो ये ट्रिक आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।